बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ टीचर। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 देखनी है। तो चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले स्टार्ट में जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो पैथागोरस थ्योरम। अब हमें पैथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए कि हम पैथागोरस थ्योरम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैथागोरस थ्योरम हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो वहाँ पर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और दो साइड्स अगर हमें गिवन हो थर्ड साइड फाइंड करवाने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। चलें एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। अब फिगर्स हमें गिवन है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, हर पार्ट में दो दो साइड्स दी गई हैं। हमें थर्ड साइड हमें फाइंड करवानी है, कहीं पर हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करवाना है, कहीं पर बेस को और कहीं पर एल्टीट्यूड को फाइंड करवाना है, और इनकी जो सारी की सारी मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में हैं। हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में ये देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास बेस है, ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज को हमने फाइंड करवाना है, तो सबसे पहले हम पैथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं कि पैथागोरस थ्योरम होता क्या है। पैथागोरस थ्योरम दरअसल ये है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें, इस साइड का स्क्वायर लें, तो ये इक्वल होता है इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। मीन ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, और हमने फाइंड क्या करवाना है। फिगर से ये शो हो रहा है कि हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करवाना है जबकि हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड गिवन है। स्टूडेंट्स, हमने ये बात माइंड में रखनी है कि जो भी एंगल हमें गिवन होगा उसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा एल्टीट्यूड होगी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बेस है और एल्टीट्यूड है आपस में तब्दील हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एंगल यहाँ पर इस पॉइंट पर, अगर इस वर्टिक्स पर अगर एंगल बनेगा तो इसके जो अपोजिट साइड है सामने वाली वो हमारा एल्टीट्यूड होगी, या उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और अगर हमारा एंगल इधर बन जाता है इस पॉइंट इस वर्टेक्स पर, तो अब हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा 6। ठीक है, चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पैथागोरस थ्योरम को देखते हुए हमने कहा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बेस है हमारे पास x, x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड है हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो हमने सिंपल ये देखा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा। सम लेंगे दोनों का तो 100 आ जाएगा। दो साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने से आ रहा है हमारे पास 10। तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको देखते हुए, अब हमारे पास 3 साइड आ चुकी है, हमारे पास बेस भी है, एल्टीट्यूड भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। ठीक है, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करना चाहें, मीन कि ये जो हाइपोटेन्यूज है, बेस है और एल्टीट्यूड है, हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को फाइंड करवाया। अब अगर हम चाहें जो कि दूसरे क्वेश्चन हैं इसके दूसरे पार्ट हैं, अगर कहीं पर वो कहते हैं कि बेस आप फाइंड करवाएं, तो हम क्या करेंगे फिर, एल्टीट्यूड को उस साइड पर लेके जाएंगे जो कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से माइनस होगी, एल्टीट्यूड का स्क्वायर और हमारे पास बेस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें एल्टीट्यूड चाहिए हो तो फिर हम बेस को उधर लेके जाएंगे, वहां से माइनस करवा के देखेंगे कि हमारे पास एल्टीट्यूड क्या आती है। तो हमने ये देखा कि पैथागोरस थ्योरम के जरिए से दो साइड तो हमें गिवन होंगी, जो थर्ड साइड होगा वो फाइंड करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी मर्जी से हमने ये देखना है फिगर के मुताबिक कि कौन सी साइड जो हमें फाइंड करवानी है उसके हिसाब से हमने फार्मूला लिखना है, और जो मिसिंग साइड है हमने उसको फाइंड करवाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है इस एक्सरसाइज का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल इज एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे हमारे पास राइट एंगल है। हमने ये कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और पॉइंट सी पे हमारे पास राइट एंगल है।
तो मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आएगा 90 डिग्री का। हमें पता है कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरीके से अब हम जो बाकी दो साइड हैं उनको हम नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ। तो मेरे पास अब एक ट्राइंगल आ गई है ए बी सी। देखें ट्राइंगल आ गई है ए बी सी। उसने ये कहा था कि इन्हें ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल ए बी सी बना ली। फिर उसने ये बात कही कि पॉइंट सी पे आपके पास जो है राइट एंगल है, तो सी पे देखें हमने राइट एंगल को शो करवा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहते हैं, बी सी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। जो हमारे पास बी सी है वो 2.1 सेंटीमीटर है, तो हमने बी सी को नेम दे देना है यहाँ पर ये 2.1 सेंटीमीटर। इसकी जो मेजरमेंट है बी सी की वो 2.1 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से जो ए सी हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर है, ए सी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी जो हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है। वैसे देखा जाए तो ये मेजरमेंट आप हम ये देखेंगे साइड मैंने इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, लेकिन हमने कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ली। ये 7.2 तो इससे ज्यादा है लेकिन फिगर में कम शो हो रही है, तो हमने इन चीजों को नहीं देखना, आगे लेके जा सकते हैं। हमने एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं देखनी, ना ही ट्राइंगल बनानी है। हमारा जस्ट ये काम है कि हमने फिगर बनाई, फिगर के बनाने के बाद हमने ये देखा कि इनकी मेजरमेंट्स क्या है हमारे पास, बेस कितनी है और एटीट्यूड कितनी है। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम का हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस एटीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये देखें कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए बी, जो ये लाइन सेगमेंट ये देखें कि लेंथ ए बी है। अब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हम इसे नेम दे देते हैं एक्स का। अब ये हमारे पास यूं समझे कि ये एक्स है। अब हमने अप्लाई करना है ए बी का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है, बेस है हमारे पास ए सी, आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस एटीट्यूड का स्क्वायर होता है, एटीट्यूड है हमारे पास बी सी जो कि 2.1 है। मेजरमेंट सामने इसमें नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट करनी है। अब ए बी की जगह पे मैंने एक्स लिया तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पर आप कह दें कि एक्स का स्क्वायर हो गया। ए सी हमारे पास कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 का हमने स्केयर लेना है। इसी तरीके से बी सी जो कि हमारे पास 2.1 है उसका भी हमें स्केयर लेना है। 7.2 का हमने स्केयर लिया विच इज इक्वल टू 51.84 एंड 2.1 का स्केयर लिया हमने वो है हमारे पास 4.41। स्केयर लेने के बाद हमने इनका सम लिया तो सम हमारे पास आ गया 56.25, ठीक हो गया। यहाँ पर अभी स्केयर है तो दोनों साइड से हमने स्केयर रूट अप्लाई करना है। स्केयर रूट अप्लाई करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 7.5 सेंटीमीटर आ गया, तो हमने ये लिख देना है मेजरमेंट ऑफ ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी जो मेजरमेंट आई है 7.5 सेंटीमीटर आई है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 देखी, उसके दो तीन क्वेश्चन देखे जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज दिखाया गया हमें। उसके जरिए हमने ये देखा कि हमें दो साइड गिवन होती है, थर्ड साइड हमें फाइंड करवानी होती है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।